Hey guys, welcome back to the channel Dishuva and I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, कल मैंने जैसे आपसे बताया था कि मैं आज बांद्रा हरिद्वार देहरादून स्पेशल का टाइम टेबल आज को बताऊंगा. सो हियर इज़ द टाइम टेबल. और सबसे पहले बात करते हैं टोटल डिस्टेंस. 1619 किलोमीटर का डिस्टेंस बिटवीन बांद्रा टू हरिद्वार एंड टाइमिंग, टोटल टाइमिंग 32 hours 15 minutes विद 64 halts एंड एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर है. यानी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी हॉल्ट इसके घटाए गए हैं. बट ये स्पेशल ट्रेन है तो इसके स्पेशल ट्रेन के अकॉर्डिंग इस ट्रेन को चलाया जा रहा है. बाद में जब रेगुलर ट्रेन के तौर पे ये ट्रेन को चलाया जाएगा तो मे बी इसके स्टॉपेज बढ़ें या फिर घट भी सकते हैं, कुछ परमानेंट नहीं है. तो चलिए बात करते हैं. मैंने बताया कि मैं मथुरा से आपको बताऊँगा इसके स्टॉपेज. और हाँ, कोचेज़ की बात करें तो इसमें सेकेंड प्लस थर्ड एसी के 2 AC कोच, थर्ड एसी के 2 AC कोच, स्लीपर के 10 और सेकेंड सिटिंग के 4 और 2 coaches होंगे SLR और स्लैश या फिर रैक्स वगैरह. टोटल मिला के 20 coach होंगे. और बात करते हैं मथुरा जंक्शन से. मैंने बताया था कि मैं मथुरा से बताऊंगा आपको इसका टाइमिंग. तो मथुरा से इसका टाइमिंग है और ये ट्रेन डेली चलाएगी, डेली रूट की ट्रेन होगी. मथुरा से इसका टाइमिंग है रात को 12:05 पर और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद ये वहाँ से निकल जाएगी ये ट्रेन. ये जो ट्रेन का टाइम टेबल है वो है 09019 का, 09020 का मैं टाइमिंग बाद में बताऊँगा. और इसका है फिर कौसिकला 12:45, 2 मिनट का स्टॉपेज है वहाँ पर. फरीदाबाद पर 1:58, 2 बजे वहाँ से निकल जाएगी. निज़ामुद्दीन पे 2:30 का, 15 मिनट के बाद 2:45 पर वहाँ से निकल जाएगी. गाज़ियाबाद पर 3:22 का, 3:24 पर वहाँ से निकल जाएगी. मेरठ सिटी पर 4:04 का, 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद वहाँ से निकल जाएगी. मुजफ्फरनगर 4:45, 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद वहाँ से निकल जाएगी. देवबंद इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है. साहिबाबाद और न्यू गाज़ियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर, मेरठ, कैंट और खतौली का स्टॉपेज नहीं है. मुजफ्फरनगर से बाद में सिर्फ टपरी स्टेशन स्टॉपेज है, देवबंद स्टॉपेज नहीं है. टपरी बस का टाइमिंग है 5:41, 43 पर वहाँ से निकल जाएगी. देन है इसका टाइम स्टॉपेज रुड़की स्टेशन पर, जहाँ पर 1:13 के बाद यानी 6:56 पर ये रुकेगी और 6:58 पर निकल जाएगी. उसके बाद है फिर ज्वालापुर पर, जहाँ पर 1 घंटा लेगी यानी कि 7:59 पर वहाँ जाएगी और 8:01 पर निकल जाएगी. फिर है लास्ट स्टॉपेज हरिद्वार पर, जहाँ पर 8:20 पर ये ट्रेन वहाँ से पर आएगी. तो ये था इस ट्रेन का टाइम टेबल, जहाँ पे मैंने बताया टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, जो ये मैंने बताया मथुरा से लेकर हरिद्वार के बीच में बताया है. तो उससे पहले का, अगर आप उससे पहले जाते हैं तो आप देख सकते हैं उसका टाइम टेबल. बट मेरा जो प्रायोरिटी थी मेनली वो मैंने बता दी है, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था. सो यस, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल. तो रिटर्न जर्नी मैं बताऊँगा इसकी, कल बताएंगे 09020 की, जो भी वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. उसकी भी काफ़ी स्टॉपेज सेम है बट टाइमिंग बहुत चेंज हुई है उसकी भी विद सेम कोचेस. एंड यस ऑल्सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम शुभ_9987. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.